यह है ग्राम पंचायत कम्हरिया। ये तालाब के किनारे की बस्ती है और मोहल्ला तरोस है। यहाँ पे एक सबीना नाम की महिला रहती है, ये उनका मकान है। इतनी बुरी जर्जर हालत में है कि दीवार गिर ना जाए, इसलिए इन्होंने बल्लियों का इस्तेमाल किया है। और उन्हीं से पूछते हैं कि उनको सरकार से क्यों उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, क्यों मदद नहीं मिली प्रधान द्वारा, और उनके घर से और उन्हीं से बात करते हैं सबीना से। आपको क्या नाम है? सबीना। आप यहाँ रहती हैं? इसी घर में रहती हैं? आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी? कुछ नहीं, मजदूरी मजदूरी करते हैं। आपको आवास योजना के तहत आपको क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, ना शौचालय, ना माले कॉलोनी, कुछ नहीं दिया विकास, हमें कुछ नहीं मिलता। आपने प्रधान से बात की है? प्रधान से बात की या माले, कुछ नहीं मिला। क्या बोले प्रधान? प्रधान माले बोलते हाव हाव बोलते रहते हैं माले, ये टाइम आ गया प्रधानी का अभी तक। आप देख रहे होंगे कि इनके घर की एक ही कमरा है जहाँ अपने बच्चों तीन चार बच्चे, कितने बच्चे हैं माले? चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं और उनके जवान लड़कियाँ हैं उनके साथ, इसी घर में ही गुजारा करते हैं। आप देख रहे होंगे ये चूल्हा है, यहीं पे ये खाना बनाती हैं। और एक ही मकान है, मैं कैमरामैन से कहूँगी पूरे घर का कैमरे को घुमाए, वो पूरे घर को दिखाए। इसी घर में रहती, यहीं पे खाना बनाती, यहीं पे रहते हैं। ना ही इन्हें शौचालय मिला है, ना ही इनके आवास योजना के तहत आवास दिया गया है। किसी प्रकार का इनको शासन से कोई योजना का इनको लाभ नहीं मिला है, जबकि देखा जाए कि ये असली हकदार जो है ना ये लोग हैं। तो यही मेरा शासन से और प्रशासन से ये है कि सुने और इसकी जांच करें, अगर वो इसके हकदार है तो उनको उसकी योजनाओं को उनको लाभ दिया जाए। यहाँ भी दिखा दो बाजी, पूरा मैदान खुला पड़ा है जंगल टाइप का, ये देखो पूरा खुला ऐसे ये पूरा जंगल टाइप में है जहाँ पे ये रहती हैं। देखो अपने बच्चों के साथ में मजदूरी करके ये गुजारा भत्ता गुजारा अपना करती हैं, और इनको किसी प्रकार का सरकार से लाभ नहीं है, सिर्फ एक ही मकान में अपना निवास करती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस हालात में ये लोग यहाँ अपना रहते हैं। इसकी जांच हो और जो कि इसके जो हकदार हैं उनका उनका हक दिलाया जाए, यही मेरा सरकार से और यहाँ के प्रशासन से ये है कि ये इनकी इस ओर ध्यान दिया जाए और इसकी जाँच की जाए। बहुत ज़्यादा गरीब है अजी, कुछ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा गरीब है, मजदूरी करते हैं हमारे घर वाले, और सर चार बच्चे हैं, छः जान कहाँ तक कमाले पूरा करेंगे। माले दो तीन बीघा वाली खेती है, उसमें भी दोनों को माले बवाल चलता है, अब कुछ नहीं है, अपनी मजदूरी करके अपने बच्चे पालते हैं। सामने से लेना, इसका चेहरा होना चाहिए, ये पूरा आ रहा है ना इनका। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ विकास दो, हमें भी शौचालय दो कि जो हमारे बच्चों के लिए हो जाए। सयान बेटी है, जंगल में लेके ऐसे लेटते हैं, कोई हमारा सहारा नहीं है। बस यही हमसे मतलब फरियाद करते हैं कि हमें भी माले कुछ विकास दिया जाए। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कहना है कि हर घर में शौचालय बनाया जाए, ताकि कोई भी महिला या पुरुष बाहर ना जाए, मगर इसका जीता जागता सबूत है कि इनकी आप हालात देखेंगे कि यहाँ सैकड़ों ऐसे घर मिलेंगे जहाँ ना उनको शौचालय का लाभ दिया गया है, ना आवास योजना का किसी प्रकार का इनको उसको लाभ नहीं मिला है। बाजी हमारे पास माले प्रूफ पूरा का कथा है, वो रखा हाँ, है जाब कार्ड रखा है हमारे हाँ। आदमी ने मजदूरी किया, सब कुछ किया, उसमें जब तक कि आज तक का उसमें माले पैसा नहीं डाला गया, और जिसके नहीं बने उसको घर घर माले का होता है, सब कुछ दिया जाता है हमें। आज तक का माले हमें कुछ भी नहीं देते, ना हमारी विकास उसमें दिया, ना जो मजदूरी किया वो भी पैसा नहीं देते। ये इनका जॉब कार्ड की इनकी समस्या है, इन्होंने ये तो मतलब गांव में अगर इसकी जांच की जाएगी तो बहुत फर्जीवाड़ा मिलेगा। इनका जॉब कार्ड भी बना और इन्होंने मजदूरी भी की है, मगर इनको पूरी मजदूरी भी नहीं दी गई है, वो भी खा तो वो भी उनका कहना है कि वो प्रधान ने हमारा जो भी मजदूरी उसको भी नहीं दिया गया है। तो ये भी एक जांच का विषय, इसकी भी जांच की जाए। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो फर्जी जॉब बता रहे हैं कि अब जॉब कार्ड बना है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी इनका हक बनता है उसको दिलाया जाए, किया जाए। और कुछ बोलेंगे? दिखा दे बेटा मेरे को, मैं चेक कर लेती हूँ कैसा बोला है।